नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कोरोना की मार से हर देश परेशान है, हर वर्ग और हर तबके पर कोरोना की मार पड़ी है। हरियाणा की शान और जान कहे जाने वाली रोडवेज भी प्रभावित है। लॉकडाउन के चलते रोडवेज विभाग 900 करोड़ के घाटे में है। अब इस घाटे से निकलने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। लॉकडाउन अवधि का घाटा पूरा करने के लिए अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसेगा। इतना ही नहीं, विभाग उन छोटे रूट पर भी बस सेवा उपलब्ध कराएगा जहां अभी यात्री केवल अवैध वाहनों पर ही निर्भर रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में बस सेवा 22 मार्च से 15 मई तक पूरी तरह से बंद रही है। 54 दिन के लॉकडाउन के बाद भी 15 मई को महज 10 जिलों में ही बस सेवा शुरू हो पाई थी। इतना ही नहीं, अभी भी अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है, जो घाटे की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली से चंडीगढ़ रूट पर भी रोडवेज की सेवा बाधित है। उम्मीद है 16 सितंबर से रोडवेज की बसों को चंडीगढ़ में एंट्री मिलेगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा भी जल्द बहाल हो सकती है। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत विभाग बसें चलाने की अपनी रणनीति बना रहा है। लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे से निकलने के लिए विभाग की रणनीति क्या है? परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। नहीं, नुकसान रोडवेज को तो नुकसान हुआ ही, पर पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ, हर महकमे को नुकसान हुआ। और रोडवेज की इसलिए बात करते हैं कि रोडवेज ये आम लोगों को जुड़ा हुआ महकमा है, जिसमें 42 कैटेगरी सब्सिडी पे हैं, पर जो इसके नुकसान है कि बस है, इंश्योरेंस है, सारा है, कि 900 करोड़ के आसपास जो पुराना पिछड़ा मिला के सारा, इतने के आसपास। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं घाटे की वजह क्या है और घाटे से निकलने के लिए विभाग ने क्या रणनीति बनाई है। अफसर सिर्फ इकोनॉमी की क्लास में हवाई सफर करेंगे, अफसरों के लिए गाइडलाइन है। 15 मई को रोडवेज सेवा बहाल हुई है। 15 मई को 10 जिलों में ही बस सेवा शुरू हो पाई थी और वॉल्वो बस सेवा अभी तक बहाल नहीं हुई है। अभी तक वॉल्वो बस सेवा शुरू नहीं की गई है और दिल्ली चंडीगढ़ के बीच भी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। 16 सितंबर से रोडवेज चंडीगढ़ जा सकती है, यानी कि चंडीगढ़ की सीमाएं रोडवेज के लिए खुल सकती है और अंतर्राज्य बस सेवा भी अभी की बात करें तो पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। केवल यूपी और राजस्थान में ही कुछ बसों को जाने की परमिशन मिली है, लेकिन बाकी के जो सीमा राज्य हैं हरियाणा के पास, उनमें अभी तक परमिशन नहीं मिली है। छोटे रूट पर भी रोडवेज की बसें चलेंगी, क्योंकि जो घाटा है रोडवेज का उसको पूरा करने के लिए अवैध तरीके से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा और छोटे रूट जहां अभी तक रोडवेज बसें नहीं चलती थी उन पर भी रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य है उसकी कमाई रोडवेज के द्वारा हो। इस पर भी प्लान चल रहा है। अवैध तरीके से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा, यह विभाग की मीटिंग में तय किया गया है। अंतर्राज्य बस सेवा जल्द बहाल होगी, इसको लेकर हरियाणा परिवहन विभाग रणनीति बना रहा है और छोटे रूट पर भी रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। अवैध तरीके से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। 900 करोड़ से ज्यादा का घाटा हरियाणा रोडवेज को हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई थी। 15 मई को रोडवेज सेवा बहाल की गई, लेकिन वो केवल 10 जिलों में, महज 10 जिलों में ये सेवा शुरू की गई थी और वॉल्वो सेवा तो अभी तक शुरू नहीं की गई है। वहीं चंडीगढ़ तक बस सेवा नहीं है। अगर हरियाणा के जो अलग अलग जिलों से जो रोडवेज सेवा शुरू की गई है वो पंचकुला तक ही जाती है। चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल होने की उनके पास परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ा घाटा रोडवेज को उठाना पड़ रहा है। 15 मई को जो रोडवेज सेवा शुरू तो की गई, लेकिन महज 10 जिलों में। और वहीं जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय में जो हरियाणा बस चलनी चाहिए वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। केवल और केवल
कुछ जिलों से कुछ बसों को परमिशन मिली है, वो भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जहां उसके जो सीमा से सटे हुए प्रदेश हैं, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उनमें अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने की परमिशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा रोडवेज को घाटा झेलना पड़ रहा है और लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है और ये घाटा 900 करोड़ तक पहुंच गया है। 22 मार्च से 15 मई तक ये सेवा पूरी तरह से बाधित रही थी। लॉकडाउन के बाद हरियाणा रोडवेज की बसें बंद रहीं, जिसकी वजह से 900 करोड़ तक का घाटा, अगर आज की बात करें तो 900 करोड़ तक का घाटा लॉकडाउन में रोडवेज को हो चुका है, एक बड़ा घाटा है। तो ऐसे में कवायद यही है कि किस तरह से इस घाटे को पूरा किया जाए, क्योंकि बड़े घाटे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सरकार के सामने मुश्किलें काफ़ी आई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसे में सरकार ने रणनीति बनाई है। जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो उनका डिपार्टमेंट है वो बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग ली, रिव्यू किया और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो उन्होंने लागू करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा है कि जो अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, जिसके बाद उन रूटों पर जहां पर अभी तक रोडवेज बसें नहीं हैं और खासकर बड़े नहीं, छोटे रूटों पर भी रोडवेज बसें शुरू की जाए, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 4500 से 4500 बस हरियाणा में रोडवेजों की संख्या, और जो महज अभी केवल 1100 के आसपास ये बसें चलाने की परमिशन है, यानी कि सरकार अभी सभी बसों को नहीं चला पाई है। तो ऐसे में जो बस बाकी हैं, जो छोटे रूट हैं, उन पर भी चलाने पर फोकस किया जाए, जिससे जो घाटा है वो कुछ हद तक पूरा किया जा सके। सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ कि किस तरह से जो घाटा है 900 करोड़ का, उससे कैसे उभरा जाए। तो इंडिया न्यूज का सवाल यही है जो आज की डिबेट में है कि रोडवेज को घाटे से उबारने की क्या है रणनीति, और जो 900 करोड़ का घाटा है उसकी भरपाई कैसे होगी। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी जुड़े हैं इस बड़ी बहस में, जो हमारे साथ भाग लेंगे, और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, वहीं एनएलओ प्रवक्ता हैं रजत पंजेटा जी, और केसी मलकानिया साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव जी मेरा आपसे ही है, 900 करोड़ का घाटा कोई छोटा घाटा नहीं है अगर प्रदेश के हिसाब से देखें, क्या कर रही है आपकी सरकार कि इस घाटे को, जो उसका घाटा, इससे उबारा जाए पूरी रोडवेज को, पूरे डिपार्टमेंट को। यदेंद्र भाई मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये घाटा 900 करोड़ का, जब हम महामारी के बाद की बात गणना कर रहे हैं तो 900 करोड़ रुपए आ रहा है, जबकि 700 करोड़ की एवरेज बहुत लंबे वक्त से इसे कहते हैं रोडवेज की रही है वो, लेकिन उस एवरेज से भी हम पार पाना चाहते थे। बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए, नीतियां बनाई गई, परिवहन नीति बनाई गई ताकि हम उस घाटे से पार पा सके और आगे बढ़ सके, हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं जनता को दे सके। लेकिन क्योंकि इस पैंडेमिक के अंदर, कोरोना महामारी के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चला और सबकी सैलरियां भी दी गई, मेंटेनेंस के लिए जहां जहां जो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो एक अतिरिक्त बोझ परिवहन के ऊपर आया, राज्य परिवहन के ऊपर, लेकिन सवारियां नहीं थी और बसें नहीं थी जो चल रही थी। आज भी आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने पैकेज में दिखाया कि वॉल्वो की बसें नहीं चली हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिक्वेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताए गए कि कितनी कितनी वातानुकूलित जगहों से बचा जा सकता है, उनको कहां कहां पे हमें नहीं यूज करना है, तो बहुत सारी बात है, कोई एक 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 वजह नहीं रही है इस घाटे की। वजह एक नहीं है राजीव जी, लेकिन आपने खुद ही बोला है कि बहुत समय से घाटा चला आ रहा है और घाटा चाहे लॉकडाउन की वजह से बढ़ा हो, लेकिन वो जो पहले वाला घाटा है वो कम नहीं हुआ, यानी कि जो अधिकारी जो रणनीति बना रहे थे, जो पॉलिसी बना रहे थे, वो कोई खास पॉलिसी का फायदा विभाग को नहीं मिला, तो लगता नहीं कि पूरे एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए जो घाटा पहले से चला आ रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब मैंने आपसे कहा कि बहुत लंबे वक्त से ये 700 करोड़ की एवरेज का मतलब ये होता है कि उससे पहले भी जो घाटा चल रहा था उसकी भरपाई नहीं की गई। हाँ, हमें बसों की जरूरत थी, अधिकारी जिम्मेदार नहीं थी पहले। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पॉलिसी बनाई गई, बंसीलाल जी ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद पॉलिसी नहीं बनी, हुड्डा साहब के वक्त में भी एक पॉलिसी बनाई गई,
उस पॉलिसी के वक्त पे भी ये बताया गया कि हम घाटे को से पार पाने के लिए परमिट देंगे, प्राइवेट बसों को परमिट देंगे ताकि हम अपने घाटे को कम से कम कर सके। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आज किसी की बुराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा दौर में जो घाटा है, जो भी हमारा 200 करोड़ रुपए का हम लॉस दिखा रहे हैं, उस लॉस की सबसे बड़ी जो वजह रही है वो केवल कोरोना की महामारी रही है और कंप्लीट लॉकडाउन रहा है। और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके के अभी, जैसा अभी परिवहन मंत्री मुझे शर्मा जी ने भी बताया कि जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। हाँ, अब पाबंदी लगाने का वक्त भी आ चुका है, क्योंकि अब हमारी बसें चलनी शुरू हो चुकी है, इंटरस्टेट बसें भी शुरू हो गई है, लेकिन उस तादाद में नहीं चल रही जिस तादाद में चलनी चाहिए। ठीक है, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, बाल मुकुंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, नहीं होती है, लेकिन बस को अपने रूट पर जाना ही है। ठीक है, बस को अपने रूट पर जाना है। बाल मुकुंद जी, सवाल मेरा यही है, लॉकडाउन की वजह से घाटा बढ़ा है, जो राजीव जी कह रहे हैं 700 करोड़ था वो 900 करोड़ तक पहुंच गया है, तो रणनीति यही है कि जो दूसरे वाहन हैं, जो प्राइवेट वाहन चलते हैं, उनको बंद किया जाएगा, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि वो अवैध वाहन हो सकते हैं उसमें से ज़्यादातर, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा अगर वो प्राइवेट वाहन चला रहे हैं तो। क्या एक ये बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है इस घाटे से उबरने के लिए, क्योंकि वो भी बेरोजगार होंगे और ये क्या घाटा इससे पूरा होगा केवल? नहीं, ये तो इससे ये तो और भी गलत मैसेज जाएगा जी। कोई भी अवैध वाहन नहीं है, आप ये मान के चलिए जो रोड पे रोड टैक्स देकर के गाड़ी चलती है उसकी परमिशन हो सकती है किसी की 5 सवारियों की, किसी की 7 सवारियों की, किसी की 10 सवारियों की जी। वो अव्यवस्था का आलम तो हो सकता है, कानून पहलू पर हो सकता है कि किसी को 5 सवारियों का लाइसेंस है, वो 7 बैठा के चलते हैं, 8 बैठा के चलते हैं, वो तो आप बंद कर सकते हैं जी। अन्यथा कोई भी इलीगल इस तरीके का कोई कागज बगैर का वाहन जाता है उसको आप बंद कर सकते हैं, अन्यथा तो वो तो लाइसेंस शुदा है, टैक्सी है या जो भी वो जो भी चीजें चल रही है आज हमारे प्रदेश में, सारे कानून सम्मत चली हुई है। मैं राजीव जेटली जी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी भाजपा के, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, तथ्यों पर जब तक आप नहीं सोचोगे रास्ता निकल कर आ नहीं सकता। मैं अपनी जानकारी के आधार पर मैं बताता हूँ, ये हरियाणा रोडवेज में एक सिस्टम लागू किया इन्होंने कि जितनी पहले एक स्कैम हुआ था, नकली टिकटें बनती थी और बिकती थी, तो उस समय एक बार रामलाल शर्मा जी कुछ समय के लिए परिवहन मंत्री थे, इन्हीं की सरकार थी, एक पॉलिसी लाई, एक सिस्टम डेवलप किया कि जो टिकट का नंबर होता है वो 8 या 9 डिजिट का नंबर था जी। वो नंबर आने से पता लग जाता कि ये नंबर किस कंडक्टर को अलॉट हुआ है और ये नंबर किस रोडवेज परिवहन को हुआ है जी। वो पूरा कंट्रोल सिस्टम था और ये इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में इसका हेड ऑफिस था, यहां से ऑपरेट होता था। 3 महीने में ही रोडवेज का घाटा कम होने लगा था, लेकिन अफसरों का घाटा बढ़ गया था, अफसरों की जेब में पैसा जाना बंद हो गया था, वो सिस्टम इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और वो पिछले 5 या 6 साल से बंद पड़ा है। नहीं, वो किसने कर दिया? वो पहले की सरकार, जो पहले की सरकार में था तभी बंद हुआ कि बाद की सरकारों ने किया? रामलाल शर्मा जी के टाइम में बंद हुआ जी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये तथ्य बता रहा हूँ, आप सुनिए दूसरी बात। इसमें एक और बड़ी बड़ी बात थी, अगर कोई भी यात्री सफर कर रहा है बस में, अगर उस किन्हीं कारणों से उसकी बस छूट जाती है या सामान छूट जाता है, तो वो चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा रोडवेज का वर्कशॉप है, वहां जाकर के अगर वो टिकट दिखा देगा तो ये बता देंगे ये इस रोडवेज की बस है और ये इतने बजे इतने रूट पे चलती है। उससे टिकटों का जो कालाबाजारी थी, जो गलत टिकटें छपती थी, जो नकली टिकटें छपती थी, उन पर बैन लग जाता, तो पिछले 5 साल से वो कालाबाजारी रोडवेज में चले हुए, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। दूसरा, राजीव जेटली जी विद्वान प्रवक्ता है, इन्होंने ये बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे घाटा पूरा करेंगे। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी सवारी 35 से 55 इन्होंने की, पहले 25 अलाउड करी फिर 55 करी, उस समय भी ये रूटों को चेक कर रहे हैं, ये केवल जीटी रोड पे या मेन हाईवे सभी बसों को चलाइए, सवारियों की संख्या उसके बीच में करिए, 40 करिए, 35 करिए, रोडवेज का पूरा बेड़ा चलाइए। तो यही तो पॉलिसी मेट होता है, हम जो शासन में बैठे लोग होते हैं हमें प्रशासन के ऊपर कमांड करनी होती है, जबकि यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि प्रशासन कमांड कर रहा, प्रशासन जैसे बताता है ऐसे मंत्री जी चलते हैं, जबकि व्यक्तिगत तौर पर जेटली जी भी मानेंगे हम जो चुनिंदा लोग हैं, शासन के लोग हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से चुन के आए लोग हैं, हम नीति निर्धारक लोग हैं, हम बताएंगे उन जीएम को, आईएएस ऑफिसर को,
कि भाई हमें प्रदेश के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाल मुकुंद जी, रजत जी सवाल आपने बाल मुकुंद जी को सुना और आपने बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी को ही सुना, तो मुकुंद जी का ये कहना है बाल मुकुंद जी का कि अफसरशाही ज़्यादा हावी हो गई है और वो जो पॉलिसी बनाते हैं मंत्री जी उसको ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं और शायद यही एक बड़ा कारण है घाटे का। भाजपा के प्रवक्ता का कोरोना, इनकी ये आदत है कि कोई भी चीज को कोरोना के ऊपर डाल दो, कोई भी चीज हो उसको कोरोना के ऊपर डाल दो, कोई भी पहले से घाटा है उसको कोरोना के ऊपर डाल दो। ये घाटा आज से चलता नहीं आ रहा, पहले से चलता आ रहा है जी। और हरियाणा जो रोडवेज है ये शुरू, ये प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश के अंदर ये सबसे बेस्ट रोडवेज माने गई थी। अब ये घाटे में क्यों आई है, सवाल ये आता है क्यों चलती आ रही है ये इसके अंदर जो है ये, लेकिन ये घाटा क्या बीजेपी सरकार में ही है, क्योंकि राजीव जी तो कह रहे हैं पहले से चला आ रहा है, पहले की सरकार मैनेजमेंट हुई है। नहीं जी, हमारा ना सबसे जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा कमी है ये, हम ये जो कहते हैं ना ये कि पहले से चलता आ रहा है, तो आज हमारा जो जवाबदेही बनती है उससे भाग जाइए जी, ये ऐसे नहीं होता है। ये आज जो सवाल खड़े हैं उनके सवाल आज देने पड़ेंगे, हम ये डिफेंस नहीं ले सकते कि पहले से घाटा चलता आ रहा है तो आज भी चलता आ जाए। आज आप, आज आप ये देखिए कि एक जो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की तनख्वाह है वो कुल मिला के, ओवर टाइम मिला के, नाइट हॉल्ट मिला के एक आईएएस अफसर से भी ज्यादा है जी। और इनको जो हरियाणा रोडवेज के जो रूट्स हैं, ये प्राइवेट बसों की बात कर रहे थे, प्राइवेट लोकल जो चलते हैं, आज आज की डेट में कोरोना काल में लोकल तो जो भी आदमी चल रहा है छोटे मोटे रूट पे वो अपनी गाड़ी से चल रहा है, क्योंकि उसको अवॉइड करना है बस ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना है। जो भी लॉन्ग रूट्स हैं वो हरियाणा रोडवेज के पास है, प्राइवेट, वैसे भी प्राइवेट के पास जो है लॉन्ग रूट्स कभी थे ही नहीं जी। और हाँ, और जो भी लॉन्ग रूट्स हैं वो रोडवेज के पास है, तो ये जो घाटा चलता आ रहा है ये पहले से चलता आ रहा है। सवाल ये खड़ा होता है, ये पहले से, आप ये पहले से इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ये पहले घाटा क्यों था। चलो कोरोना में 200 करोड़ का इजाफा हो गया, मान लिया सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, लेकिन आप इसे, इसको सारा कुछ, जैसे देश की वित्त मंत्री हैं वो ये कहती हैं कि जो जीडीपी गिर गई वो एक्ट ऑफ गॉड है, उन्होंने गॉड को स्केपगोट बना दिया। और ये हर चीज़ का कोरोना, जीडीपी तो पहले से गिरती आ रही है, पिछले साल आप देखिए क्या थी अर्थव्यवस्था की हालत, क्या थी बेरोजगारी दर। आज आप हरियाणा को देखिए, हरियाणा नंबर वन चला गया, ये धीरे 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 चढ़ता आके आज पिछले तीन तिमाही से आज नंबर वन है बेरोजगारी के अंदर। इसका भी आप कोरोना पे डाल दीजिए, हर चीज को आप कोरोना का एक डिफेंस नहीं ले सकते। अच्छा, अब मैं आपके ऊपर एक बात आता हूँ, अगर आप ये देखें, मैं इनकी वेजेस की बात कर रहा था, आप रोडवेज का जो एक क्लास थ्री एम्प्लॉय भी है वो भी एक इनकम टैक्स पे ही है जी। और अभी ये खर्चा, आप इनके अपने डिपो है, और जो डीजल मिलता है आप ये देखिए, इनको रोडवेज के अपने डिपो है, ये नहीं कि इनको जो बाहर डिपो है कि अगर उसी रेट में डीजल मिलता है, इनको डीजल भी सस्ता मिलता है। इनकी वेयर एंड टेयर देखिए कि इन्वेंट्री कैसे बनती है, वहाँ इन्वेंट्री में कोई घपला होता है क्या नहीं, टायर ओरिजिनल डल रहे हैं क्या नहीं, अपने इनकी वर्कशॉप है, आप ये गुड़गांव में इनकी इंजीनियरिंग, यानी आप चाहते हैं मॉनिटर कमेटी, मॉनिटरिंग इनकी पूरी हो, पूरा ऑडिट हो। ये देखिए, ये कभी ना कहीं विफलता तो सरकार की है, आप इसको इसमें ये करके नहीं डाल सकते कि ये कहीं ना कहीं ये कमी इसमें आई है, धीरे 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 जब ये घाटे में आ रहा था जी, तब ये सरकार ने सही कदम क्यों नहीं उठाए। ठीक है, सही कदम क्यों उठाए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर अपने को नहीं रख पाए। मैं आपके पास आऊंगा, मलकानिया साहब हमारे पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मलकानिया साहब, आपने तीनों राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों की बात सुनी, 700 करोड़ से घाटा भड़कर अब लॉकडाउन भी एक बड़ा कारण है, 900 करोड़ तक पहुंच गया, क्या इससे उभरा जा सकता है, क्या अब ये भी ऐसे ही बना रहेगा जो राजीव जी कह रहे हैं कि 700 करोड़ तो पहले से चला रहा था,
तो ये यहाँ रुक जाएगा, बढ़ेगा या इसे कम किया जा सकता है? नहीं, इसको रोकने के लिए तो कई कदम उठाने पड़ेंगे। हुआ जी, तो इसके कारण जो है तो लोग आने जाने में भी प्रवेश करते थे और बसों में भी, बसें भी कम चलती थी। जब जिन बसों में चलते हैं वहां भी दूरी का ध्यान रखना पड़ता था, कई चीज खाली रखनी पड़ती थी। अभी तक भी पूरी तरह बसें नहीं चली। जब तक पूरी रफ्तार से पूरी बसें नहीं चलेंगी, कंडक्टर ड्राइवर बसों में नहीं चलेंगे, तो उनको तो तनख्वाह हम बैठे बिठाई दे रहे हैं। बसें चल नहीं रही, इनकम आ नहीं रही, इसलिए कोरोना की कारण घाटा ये 200 करोड़। इनकम आ नहीं रही इसलिए कोरोना की कारण घाटा ये 200 करोड़ माना जा सकता है। परंतु हमें चाहिए कि जो बसें हैं उनको पूरी तरह चलाएं और जो कर्मचारी हैं उनको पूरी ईमानदारी से जो रूट लाभ में करते हैं या जो कंडक्टर अच्छा काम करते हैं लाभ कमा कर देते हैं, कंडक्टर उन्हें प्रोत्साहित करें और जो ड्राइवर कंडक्टर टांका लगाते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कई बार कर्मचारी यूनियन जो है वो भी रोड़ा होती है इनके रास्ते में। जब सरकार कोई फैसला लेती है, जैसे किलोमीटर के हिसाब से बसें चलाने का फैसला लिया, अगर आपका प्राइवेट के साथ कंपटीशन होगा तो आप कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेंगे। परंतु कई बार देखा गया है कि जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनके मालिक जो है वो काफी दमदार होते हैं और हरियाणा रोडवेज के जो कई बार कंडक्टर और दूसरे जो है उनको बसों को आगे जाने देते हैं, सवारियां ये कई बार मिली भगत होती है। आपका ये कहना है प्राइवेट बस वालों के साथ रोडवेज बसों वालों की मिली भगत होती है? बसों में बहुत सी कैटेगरियों को फ्री में सफर करने की इजाजत होती है, तो उसको भी रोकना चाहिए। जो जायज है उनको देना चाहिए फ्री सर्विस बसों में। परंतु हरेक कोई आप कह रहे विधवा है या दूसरे पत्रकार है और कई कैटेगरी है उनको आपने फ्री में दे रखा है तो कैसे उभरेंगे वो घाटे से। तो इसलिए कंपटीशन भी चाहिए, ईमानदार कर्मचारी भी चाहिए और उनको चेकिंग भी चाहिए और जो वेतन है उसका भी कंपैरिजन चाहिए कि प्राइवेट कितनी वेतन लेता है और सरकारी कितना वेतन लेता है, उस कितना ओवर टाइम बनता है, उसका सारे का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम उभर सकते हैं। अगर हम अफसरशाही में या कर्मचारियों के आंदोलन में फंसे रहे, कर्मचारी कई नेता ऐसे होते हैं जिनसे अफसर भी डरते हैं, इसलिए हमें चाहिए कर्मचारियों पर भी लगाम लगाएं और जो कंडक्टर और बस ड्राइवर हैं उन पर भी ध्यान रखें कौन सा रूट घाटे में जा रहा है और क्यों जा रहा है उसका पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल राजीव जी, मलकानिया साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने बहुत अच्छा जो सुझाव है बहुत अच्छे दिए हैं कि जो घाटे के रूट हैं उनके लिए अलग से एक पॉलिसी बनाइए या जो फ़ायदा जो जिस बस के का स्टाफ जो फ़ायदा दे रहा है उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, या जो घाटे में प्राइवेट बसों वालों के साथ जिनकी मिलीभगत रहती है कि उनकी बसों को वो आगे निकल जाने देते हैं, अपनी बसों को बहुत स्लो चलाते हैं तो सवारियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन एक और इन्होंने जो बड़ी बात कही है वो उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उसमें दूसरे अफसर या कर्मचारी भी शामिल हैं, तो ऐसा एक क्राइटेरिया नहीं बन सकता कि जो जिनकी सैलरी कम से कम हो उनको अगर फायदा देना है, चलिए वो वंचित तबके से आते हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको दिया जाए, लेकिन हर पत्रकार को क्यों देना जबकि वो उनकी सैलरी अच्छी है, आर्थिक तौर पर वो अच्छे हैं, तो इस तरह की क्या पॉलिसी का रिव्यू नहीं होना चाहिए, इससे घाटा भी कम होगा? वो छोटी बात है, वो जो आपने पत्रकारों वाली बात बताई, पत्रकार में तो हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की बात हो, सरकार पत्रकारों को जो बेनिफिट दिए जा सकते नहीं, वो एक अलग है बात, लेकिन क्यों देना रोडवेज बसों में पत्रकारों को फ्री पास दिया जा रहा है तो क्या उस पर रिव्यू नहीं किया जा सकता? जो पत्रकार सक्षम है, जो आर्थिक रूप से सशक्त है उनको हटा दिया जाए, जो सच में जिनको जरूरत है जिनको सहायता दी जानी चाहिए, तो इससे क्या घाटा भी कम होगा? जो फ्री में जाने वाले लोग और केवल पत्रकार ही उनके साथ साथ दूसरे भी आपके क्राइटेरिया जो दूसरे वर्ग से आते हैं ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी फ्री मनी देना चाहिए, क्या इस पर विचार करेंगे आप लोग? प्रोटोकॉल के तहत बहुत बड़ी संख्या पत्रकारों की नहीं है ऐसी जो कि जिनको फ्री पासेस दिए जाते हैं, लेकिन जिनको भी फ्री पासेस दिए जाते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे तो मात्र 2-3% रहती है मूवमेंट की, क्योंकि सारे पत्रकार अपने अपने जिलों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डेली सिर्फ अपनी ट्रेवलिंग करते हैं वो, हाँ कभी कभी उनको इंटरस्टेट ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, उस वक्त के लिए बेनिफिट दिए गए हैं,
मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पत्रकारों को दिया हुआ बेनिफिट हटा लेना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि उन्हें बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन उसमें और भी कई सारे वर्ग आते हैं, केवल पत्रकार नहीं, और भी कई सारे वर्ग हैं। मैं सारे सभी के लिए बात कर रहा हूं। अगर और बड़े बड़े उसमें देखिए, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई इमरजेंसी में जेल गए हैं, हमने उनको बेनिफिट दिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को बेनिफिट दिए, मुझे लगता नहीं कि तो घाटा कैसे कम करेंगे आप। घाटा हमारा रोडवेज, हमारा ट्रांसपोर्ट घाटे में चल रहा है जी। वो ट्रांसपोर्ट घाटे में चलने की एक अलग वजह है। आज जो परमिट की बात करी आपने कि जहां पर जनसंख्या कम है लोगों की, चलने वालों की, यही सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि परमिट वहां दिए जाएंगे जहां पर बसें नहीं जाती हैं, जहां पर लोगों को सुविधाओं की जरूरत है, और यही हमारी पॉलिसी थी, रोडवर्ड पॉलिसी, उसी पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे थे। और तीसरी बात, अभी मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, हमारे बड़े जेन्युइन और भोले प्रवक्ता है इनेलो पार्टी के, इन्होंने कहा कि जो रोडवेज के ड्राइवर है या उनका स्टाफ है उसकी सैलरी जो है वो आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा है। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इनकी राजनीतिक पार्टी उनकी सैलरी के लिए लड़ाई करती थी, और इन्होंने बोला कि वो तो आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा रख अपनी सैलरी लेते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम ये एडवाइस पार्टी को करेंगे कि कम से कम रोडवेज के कर्मचारियों के लिए सड़कों पर ना उतरे, वो वैसे ही वेल टू डू है, बहुत सक्षम है वो लोग। तो अब यहाँ बात आती है कि हाँ हमें इस, लेकिन एक बस के लिए टारगेट तो फिक्स किया जा सकता है, अगर सैलरी की चलो बात मान लेते हैं कम है या ज्यादा है वो एक अलग किनारे रख देते हैं, लेकिन एक बस के लिए एक टारगेट तो हो सकता है कि वो दिन भर में कितनी सवारी होनी चाहिए, जो अवार्ड की बात हमारे जो मलकानिया साहब है उन्होंने भी कही है, क्या इस पर विचार करेगी सरकार? नहीं यतेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके दो वर्टिकल है, एक तरीके से नहीं सोच सकते हम। देखिए हम एक सरकार है, सरकार का दायित्व होता है जनता को सेवा देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौटाला साहब की सरकार में अब बहादुरगढ़ से गुड़गांव के लिए बस चला करती थी, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये बस लॉस पे जा रही है, तो उन्होंने वो बस बंद कर दी। फिर लोग ट्रैक्टर पे बैठ के, ट्रॉली पे बैठ के, ट्रक पे बैठ के बहादुरगढ़ से गुड़गांव जाना शुरू कर दिया। अगर इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाएगी तो उससे घाटा तो कम हो जाएगा, लेकिन जनता को दुविधाएं बढ़ जाएंगी, जनता को जो सेवाएं चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा पहला दायित्व यह होता है कि हम जनता को सेवा दें, उसके बाद हम देखें कि किस किस रास्ते से अपने घाटे को कम किया जा सकता है। ठीक है मुकुंद, बाल मुकुंद जी, आप राजीव जी का कहना है कि चाहे सरकार घाटा सहने को तैयार है, लेकिन जो जनसेवा की भावना है, जो जनता की भावना की बात है, उसके साथ वो समझौता नहीं करेंगे। देखिए, एक तो राजीव जी ने बहादुरगढ़ से गुड़गांव का जिक्र किया जी, और ये दोष थोप दिया चौटाला साहब की गवर्नमेंट में, जबकि ये उस गवर्नमेंट में साझेदार तो नहीं थे लेकिन सहयोगी थे जी। चौटाला साहब की कभी अकेले गवर्नमेंट, ना चौधरी देवलाल गिरी, ना कभी ओम प्रकाश चौटाला गिरी, ना कभी बंसीलाल जी गिरी। हरियाणा में कोई भी गवर्नमेंट रही है तो उसकी बैसाखी बीजेपी रही हमेशा जी, पीडीपी मान सकते आप उसको। तो मैंने तीन चार सवाल रखे थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस, हमारी पार्टी जो है सड़कों में भी संघर्ष हम कर रहे हैं और विधानसभा में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जेटली जी को अच्छा सुझाव मैंने दिया था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको पता है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगातार ज्यादा समय तक शासन में और सत्ता में रही, हरियाणा में भी, विदेश में भी, कि चीजों का और तथ्यों का कांग्रेस को ज्यादा पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना ढिंढोरा आईटी का पीटते हैं कि हमारा जो देश है उसको हम आईटी में बड़े आगे लेके जा रहे हैं, आईटी बनाने जा रहे हैं। भाई आप सरकार ये बताए, रोडवेज में जैसे मैंने सुझाव रखा था कि टिकटों का इस तरीके का वितरण होता था, उसके अंदर इन्वॉल्व होती थी सारा आईटी सिस्टम, उसको ब्लॉक करके क्यों डाल दिया? चंडीगढ़ का मैं कुछ जगह बता रहा हूँ, ये ऑपरेट होता था चंडीगढ़ में, इंडिया में वर्कशॉप है इनका, हरियाणा सरकार का, उसको ब्लॉक करके डंप कर दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने का सबसे बड़ा उपाय था, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो दूसरा पॉलिसी मैटर की मैंने एक बात पहले भी जिक्र रखी थी, अभी भी मैं कहता हूँ, मेरी बात से सहमत होंगे दादे में संबंध देखते थी, जो इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है जब एक प्रॉपर एक हम बोर्ड पे हरियाणा रोडवेज पे जिक्र कर रहे हैं, तो श्वेत पत्र लेके आए कि कितना घाटा पहले था, कितना कांग्रेस के टाइम में था और कितना है और कितना कोविड में है, इसको ये बिल्कुल श्वेत पत्र पर ले जाए, हम भी मानेंगे। लेकिन कोविड में सरकार की गलती नहीं मानी जा सकती, बल्कि सरकार के साथ एक भावनात्मक लगाव रहता है विपक्ष का भी, क्योंकि हमने इनसे वादा कर रखा है कि कोविड में हम सरकार की हर तरीके से मदद करेंगे और हमने की भी है। तो यानी कि आप चाहते हैं जो घाटा है वो अलग अलग वर्गीकरण उसका किया जाए, तो जनता को पता तो चले ना जी। अब ऐसे 700 करोड़ कह दिया, 900 करोड़ कह दिया, देखिए सरकार एक बार तो जब लॉकडाउन से वो निकल के आती है
तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगले 2 साल के लिए एमपी लैंड की स्कीम बंद कर दी जाती है, सारी योजनाओं को सस्पेंड किया जाता है, कर्मचारियों पर भी चाबुक चला जाता है, और 2-3 महीने के बाद आता है कि तहसील जो है वो लॉकडाउन में भी काम करी थी, लॉकडाउन में भी रजिस्ट्री हो रही थी, कितनी प्रदेश में शराब गोदाम में रखी लॉकडाउन में रातों रात वो। तो इसका जवाब तो राजीव जी देंगे आपको। राजीव जी, मैं ये कहता हूँ कि आदमी से कमी रह जाती है उसको मानना भी प्रजातंत्र में बहुत बड़ी बात है। जब आप दूसरे लोगों में कमी निकाल देते हैं, किसी से 70 साल का हिसाब ले लेते हैं, किसी से 60 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप 6 साल का हिसाब दे दीजिए। तो इनका तो कहना है बाल मुकुंद जी कि 700 करोड़ का घाटा तो आपकी सरकार से चला आ रहा था, तो आप मानेंगे इस कमी को? नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ थोड़ा सा। मैं बाल मुकुंद जी को याद दिलवाता हूँ। हुड्डा साहब जब अपनी पॉलिसी लेके आए थे बंसीलाल जी के बाद, जो पहली पॉलिसी आई थी जिस पॉलिसी को भी अमेंडमेंट करके लगाया गया था, तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी हुड्डा साहब की? हुड्डा साहब ने कहा था कि हमारी रोडवेज घाटे में चल रही है, घाटे से उबारने के लिए मुझे परमिट देना पड़ रहा है क्योंकि आप बसें नहीं चला पा रहे हैं, और आप बसें चलाते हैं तो आपका घाटा और बढ़ जाता है। तो शायद बागल मुकुंद जी अवगत नहीं होंगे उनकी स्टेटमेंट से, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उसके बाद इस बात का विरोध हुआ था कि आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, आप प्राइवेट बसों को चलाना चाहते हैं, लेकिन उस ऑक्शन के अंदर जो बसें दी गई थी वो बाल मुकुंद जी आपको याद होगा, वो ज्यादातर बसें जो थी वो कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं की थी जो बसें चलाई गई थी परमिट दे करके। तो वो घाटा कांग्रेसी नेताओं का कम करना था या रोडवेज का कम करना था वो मुझे नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट ये है कि आज उसके बाद चेसियां भी बढ़ाई गई, बसें भी बढ़ाई गई, एयर कंडीशन बसें भी बढ़ाई गई, मेंटेनेंस भी आपने देखा होगा कि हमने फ्लीट मेंटेनेंस शुरू करी हरियाणा के अंदर, वो सारी सर्विस देने के बावजूद भी जो हमारा रेशियो घाटे का रहा वो कम रहा। हमने ये कहा कि जो परमिट दिए जाएंगे बसों को वो भी उन रूट पे दिए जाएंगे जिन रूटों पे बस नहीं चलती है या जिन रूटों पे कम सवारी होती है। तो ये सारे बेनिफिट जनता को देने के साथ साथ घाटे की काम को कम करना, ये हमने रूपरेखा अपनाई थी। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात से पीछे नहीं हट सकते हैं कि इस पेंडेमिक के अंदर, लेकिन क्या वो रूपरेखा सफल हुई थी राजीव जी? क्या वो रूपरेखा सफल हुई थी? आज परिवहन मंत्री जी ने रखे आपके सामने। देखिए राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसमें मेरा तेरा नहीं हो सकता, ये तो एक प्रक्रिया है, हम शासन में रहने वाले लोग हैं, तो देश हमने भी चलाया अब आप चला रहे हो, प्रदेश हमने भी चलाया अब आप चला रहे हो, ये तो व्यवस्थाएं हैं, इनका आदान प्रदान भी होता है, सर्वदलीय बैठक भी होती है। मेरा ये कहना है राजनीतिक तौर पर सोच रखने वाले लोग, हमारे जैसे रात जैसे लोग, हम ब्यूरोक्रेसी पे आधारित इस तरीके से नहीं हो सकते कि वो जो हमें बताएंगे हमें वही करना है। इससे तो अच्छा ये रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा आप वो करिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक चलिए बाल मुकुंद जी जो बता राजीव जी वो करना, लेकिन मैं रजत जी के पास चलता हूँ। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता से आप सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछिए जी, कि उन्होंने अभी तक एक भी जवाब इस बारे में नहीं दिया कि ये 700 का करोड़ घाटा और ये 900 का करोड़ घाटा ये कम कैसे करें। ये मुझे ये इन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि ड्राइवर की तनख्वाह के बारे में जी। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बाहर प्राइवेट बसेस जो चलाते हैं उनकी तनख्वाह 9-10 हज़ार है, और रोडवेज के ड्राइवर की तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख है, सारे ओवर टाइम मिला के अगर वो नाइट आउट वगैरह करते हैं, क्योंकि 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। तो आप चाहते हैं उन ड्राइवरों की सैलरी कम कर दी जाए? ये सब कुछ फ्री है। आप चाहते हैं जो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी सैलरी कम कर दी जाए? पहले मुझे कंप्लीट, पहले तो नहीं, पहले तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस हैं, पहले तो आप खर्चों पे ध्यान दीजिए। उनकी जो इन्वेंटरी बनती है, उनकी जो वर्कशॉप है, उनके अंदर जो वेयर एंड टेयर है, क्या टायर सही डल रहे हैं, रिट्रीटेड टायर तो नहीं डल रहे, कहीं मैनेजमेंट की कमी है, इन मुद्दों के ऊपर से आप भटकनी, ये भटका के ये सिर्फ चले जाते हैं 16 साल पीछे, 20 साल पीछे। आज सवाल आज खड़ा है, आज का जवाब दीजिए, उनसे सीधा डायरेक्ट सवाल पूछिए कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, सरकार कैसे घाटा कम करेगी। राजीव जी क्या कम शब्दों में बताएंगे सरकार कैसे कर रही है जो रजत जी पूछ रहे हैं आपसे? हर फील्ड देख लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए दो बातें,
जिस तरीके से आज मूलचंद शर्मा जी ने अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि हम परमिट कैंसिल करेंगे या ऐसी गाड़ियां जो लोगों को सवारी ढोती है और उनके पास लाइसेंस नहीं है उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, ये एक एक कदम हो सकता है, बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम गुणा भाग में चले गए हैं, घाटे और प्रॉफिट में चले गए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हो सकता है हमें और भी बसें चलानी पड़ जाए, और भी रूट पे बसें चलानी पड़ जाए, और हो सकता है उससे घाटा ना कम हो पाए। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि जब हम सर्विसेज देंगे, अगर मैं एक बस को चला रहा हूं एक स्टेट से एक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में, और अगर उसमें सवारियां नहीं है तो क्या उन बसों को हटा दिया जाएगा वहां से? ये मुमकिन नहीं है, वो सर्विस तो हमें देनी ही देनी है। लेकिन जैसे अभी पीछे बात आई कि हमारा जो बसें होंगी वो बसें हरियाणा रोडवेज के ब्रांड के ऊपर चलेंगी, उसका ड्राइवर और कंडक्टर में से एक सरकारी होगा और एक जो होगा वो परमिट के ऊपर होगा जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे होगा, तो हमारी बसों की सर्विसेज भी ज्यादा होगी, हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल भी उसके ऊपर रहेगा। और उसमें अगर राजीव जी रजत जी ने एक सवाल और उठाया है कि जो बसें चलती हैं जो डिपो में उनका काम मेंटेनेंस का होता है या टायर चेंज किए जाते हैं, जिससे क्या इनको लेकर कोई रणनीति कोई पॉलिसी सरकार बनाने वाली है? क्योंकि कोई निरीक्षण कोई औचक निरीक्षण या किसी भी तरह से मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो क्या करने वाली है सरकार? सवाल उनका ये है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जितेंद्र भाई, क्या इसमें यह है कि जो बस चल रही है, जो प्राइवेट बसें भी चलेंगी, तो वो प्राइवेट बसों का को भी हरियाणा रोडवेज के उनकी जो बॉडी होगी हरियाणा रोडवेज की ही होगी। मतलब आम व्यक्ति के लिए वो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि ये प्राइवेट बस है कि रोडवेज की बस है। मैंने बताया उसमें स्टाफ हरियाणा रोडवेज का भी होगा और आउटसोर्सिंग भी होगा। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम अपनी लायबिलिटी कम करें लेकिन जनता को सेवाएं ज्यादा से ज्यादा दें, ये सुनिश्चित करेंगे तो हमारा घाटा कम से कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मलकानिया साहब, क्या लग रहा है कि इस तरह से घाटा कम होगा हो पाएगा जो राजीव जी बता रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बात थी जो जिन लोगों को कई सारी सर्विसेज में छूट मिलती है, जो कई सारे लोगों को, उसमें तो राजीव जी मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी छूट तो जो है बरकरार रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी सुविधाएं सभी से बात करें, कोई स्वतंत्रता सेनानी है कोई सहायताओं की है उनको देनी चाहिए, जो सक्षम लोग है जो किराया पे कर सकते हैं उनको ना दो, जो उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है, वही हमने बोला था जो आपका सुझाव था, उनको दो बिल्कुल। परंतु जैसे आप राखी को सारी बसें महिलाओं के लिए फ्री कर देते हैं, उसमें बहुत सी महिलाएं पे कर सकती हैं, अपनी गाड़ियों में जाती हैं, भाइयों को राखी बांध है, परंतु उनको भी देखते हैं बस फ्री है तो इसमें बैठ जाते हैं, ऐसे भी किया जाता। जहां तक प्राइवेट बसें चलाने का सवाल है जिसमें आप कहते हैं कि कंडक्टर या ड्राइवर एक सरकारी होगा, बड़ी अच्छी स्कीम है, परंतु आपके पिछली बार जब चला था तो ये कहा गया कि आप जो किलोमीटर के हिसाब से उन्हें रेट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ये देखना चाहिए, कर्मचारियों के साथ भी बैठकर बात करनी चाहिए, उनको बताओ कि सुझाव दो और उन्हें इस तरह सेटिस्फाई करें कि वो कभी भी हड़ताल पे ना जाए, जब वो कोई नोटिस देते हैं तो उनको बुलाकर बात करो, ये ना कि वो आंदोलन में चल जाए उसके बाद आप करें। अगर रेगुलर बस सेवा चली रहेगी और जो गांवों के छोटे छोटे रूट हैं उन पे प्राइवेट बसें चलेंगी तो घाटा जो काफी हद तक कम हुआ हो सकता है, और जो कि टायर या दूसरी वर्कशॉपों की या दूसरा बसों का खर्चा है उसको भी कम करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, और इसके लिए हमें ड्राइवरों और कंडक्टरों प्रोत्साहन देना चाहिए, जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको किसी ना किसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। ये ठीक है कि हमारा सरकार का काम है कि जनता को बेहतर सुविधा दे, परंतु ये नहीं है कि आप बेहतर सुविधा के नाम को घाटा डाल जाए, वो जो घाटा है वो सरकार जनता ने ही पूरा करना है, जिसको आप सुविधा दे रहे हैं उसी को पूरा करें, आप वो उतनी सुविधाएं दें जितनी आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको सुविधा ना दो, और जो प्राइवेट गांवों के छोटे छोटे रूट हैं वो प्राइवेट लोगों को दो। ये तो सही है कि जो बस चलाता है वो प्रभावशाली होता है, उसके पास पैसा होता है, परंतु आप कंपटीशन के हिसाब से ये रूट बांटो तभी आप प्रॉफिट में जा सकते हो, अन्यथा नहीं।
रजत जी मलकानिया साहब की बात आप सुन रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक तो बहुत अच्छा सुझाव जो पहले भी दिया मैंने रजत जी से, पूछा रजत जी ने बताया नहीं कि क्या प्रोत्साहन देने से घाटा कम हो सकता है कि अगर बस किसी रूट पर कोई बस और ड्राइवर अच्छा प्रॉफिट लेकर आते हैं, अच्छी सवारियां वो लेते हैं, सर्विस देते हैं, तो उनको प्रोत्साहन किया जाए। और दूसरा जो प्राइवेट बस की बात है, जो रूट के परमिट है, उनका आरोप है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों को परमिट मिलता है जो प्रभावशाली हैं, जो दबंग हैं, जो पैसे वाले हैं। जी मैं पहले तो आप ना पूरे डिबेट का ना आप वो ही नहीं समझ पाए हैं मैं उद्देश्य क्या है जी। आप पहले ये समझिए कि जितने बड़े रूट्स हैं, जितने मेजर रूट्स हैं, वो हरियाणा रोडवेज के पास है जी। जो डीजल मिलता है वो हरियाणा रोडवेज के अलग पेट्रोल पंप है, उनको डीजल भी सस्ते रेट पे मिलता है। इनकी वर्कशॉप्स भी अपनी हैं, इनके हॉल्ट भी हैं जहां पे उनको ऑलरेडी इंसेंटिव मिलते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हरियाणा रोडवेज कहीं घाटे में है, ये सरकार की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है उसकी कमी है। ये जो 900 करोड़ का घाटा है, ये घाटा रोडवेज में, आप ये सोचते हैं ये रोडवेज का घाटा है जी। सारा कुछ अच्छे रूट्स, अच्छी वर्कशॉप, सस्ता डीजल, जो जहां मेन सवारियां हैं, आपको क्या लगता है कि जो मेन सवारियां हैं यहां पे आपको प्राइवेट रूट्स मिलते हैं? नहीं, जितने बड़े रूट्स हैं वो हरियाणा रोडवेज के पास ही हैं जी। और अगर आपका ये मलकानिया जी का एक सुझाव था कि ये जो पासेस, फ्री पासेस मिलते हैं उनको कम कीजिए, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। ये इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी आप ये सोचते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि स्टूडेंट पास कम कर दीजिए या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके उनके जो इंसेंटिव मिलते हैं या कोई पत्रकार है उनको मिलते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ, इससे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फिगर आ गई है 900 करोड़ में चली गई है, 900 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मिसमैनेजमेंट है ये सारी की सारी और कुछ नहीं है। और ये जो जो अनएक्सप्लेन्ड इनके एक्सपेंसेस हैं, कोई भी आप ये बताइए कि भाजपा का ये जो प्रवक्ता है या इनके कोई है, ये किसी भी रोडवेज के डिपो में कभी विजिट किया है इन्होंने? कभी इन्होंने ये चेक किया है कि वहां कितने एम्प्लॉयज फ्री बैठे हैं, कितने एम्प्लॉयज काम पे गए हैं? यानी कि आपका मानना ये है कि जो भी बड़ा घपला होता है वो मेंटेनेंस जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं वो लोग करते हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो काम नहीं करते हैं, वो टायर बदलने में या जो भी जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बदलने में गड़बड़ करते हैं। सिर्फ टायर एक छोटी सी बात है, सिर्फ टायर यानी कि सारे कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये बहुत खर्चे होते हैं, डीजल पेट्रोल जो आप बता रहे हैं, बॉडी का खर्चा है, जितने भी खर्चे हैं आप पहले उनपे खर्चों के कुछ भी कीजिए, सबके ऊपर मॉनिटर करिए। आज कोरोना का काल है, सरकार के पास वैसी गवर्नमेंट ही नहीं दे रही है जीएसटी, सेंटर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि स्टेट को जीएसटी का अमाउंट नहीं देंगे, यानी कि वहां कर्मचारी जो काम कर रहे हैं रोडवेज में वो गड़बड़ी करते हैं और अधिकारी उन पर लगाम लगा पा रहे हैं। राजीव जी बड़ा आरोप है, कर्मचारी जिस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं, ये रजत जी का कहना है, क्या इस पर लगाम लग पाएगी? बड़ा कारण घाटे का नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो जानकारी का अभाव है या पॉलिटिकली जिस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं वो अपनी पार्टी की लाइन जो है, पार्टी की मांग है, उसको इधर किनार करके बैठे हुए हैं। क्योंकि जो आउटसोर्सिंग जो मेंटेनेंस है उसको भी आउटसोर्स किया गया, तो इसकी ये खिलाफत तो इनकी पार्टी कर रही थी। और अभी भी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि वहां पर सुविधाएं ज्यादा दी जा रही हैं, उसका विरोध भी इनकी पार्टी ही कर रही थी कि सुविधाएं और दे देनी चाहिए, उन्हें कम मिल रहा है। आज जब हम अपना परमिट लेके आए थे, अपनी पॉलिसी लेके आए थे, तो उस पॉलिसी की खिलाफत भी इन्होंने करी थी, जिसके तहत हमने कहा था कि जितनी मैन पावर होगी उसका आउटसोर्स रखेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी मांग क्या है। और रही बात घाटे की, देखिए बड़ा अलग सब्जेक्ट है, ये छोटी छोटी बातों से हमारे घाटे नहीं दूर होने वाले। कि अगर आप ये बताएंगे कि मेंटेनेंस के अंदर कितने टायर चेंज हुए, कैसे हुए, या कोई खाली बैठा या नहीं बैठा, जो जो घाटे की वजहें रही है मैंने आपको सबसे पहले बताया, वो सब्जेक्ट बहुत अलग है। वो सब्जेक्ट ये है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा फ्लीट चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे और सवारी या रिसोर्सेस कम होंगे आपके पास, तो घाटा इसमें कोई डाउट नहीं कि बढ़ेगा। अब उस घाटे को कम करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। और वो पॉलिसी मैंने आपको पहले भी अभी डिफाइन करी है कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट बसों को एंट्री मिले, जो हरियाणा रोडवेज के ब्रांड पे चले, हरियाणा रोडवेज के स्टाफ के साथ चले। लेकिन अभी तो कई राज्यों में भी बस नहीं चल पा रही है, बसें खड़ी हैं बहुत सारी। पार्टी की हो, जो पार्टी अपनी बसों को
ऑक्शन में यहाँ पर डाल रही है और ये पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी है। कई राज्यों में भी परमिशन नहीं मिल पाई है और लोगों को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले। राजीव जी, मेरा सवाल ये भी है कि कई राज्यों में भी अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसों को चलने की परमिशन नहीं मिल पाई है। आपके पड़ोसी राज्यों में हरियाणा रोडवेज की बस नहीं जा पा रही है, वो भी एक बड़ा कारण है। जी बाल मुकुंद जी, हिमाचल में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर वो परमिशन नहीं दी गई, लेकिन हरियाणा हिमाचल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से जाता है तो उसे भी किसी कोई क्रियाकलाप नहीं हो सकता। व्यवस्था ये है कि रोडवेज जैसी आज है, जिस ढांचे में है, इसी में कैसे सुधार किया जा सकता है? ये निजीकरण तरफ पढ़ करके, ये तो रोडवेज तो एक छोटी इकाई है, 800 करोड़ का इन्होंने काटा था, ये तो रेलवे का निजीकरण करने लग रहे हैं, एयरपोर्टों का निजीकरण कर रहे हैं, लॉकडाउन में एयरपोर्ट बेच दी इन्होंने, और ये एयरपोर्ट को या लॉकडाउन में निजीकरण करेंगे ये। लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया तो आपकी सरकार के समय से शुरू हो गई थी बाल मुकुंद जी। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति है, एयरपोर्ट अथॉरिटी सरकार के पास है, रेलवे सरकार के पास है। राहुल गांधी जी ना समझ है, आप तो समझदार है, आप तो अच्छी बात करिए। वो ट्वीट कर रहे हैं ऐसे ऐसे जिनको बाद में समझाया जाता है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। कोई रेल अगर चलना चलाना चाहते हैं, जो प्राइवेट रेल होगी सरकारी ट्रैक पर चल सकती है, तो ये जानकारी क्या होता है आप लोग सारे उनकी बातें बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे समझदार लोग भी कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे सोचा ही नहीं था जिस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे को भी कोई निजीकरण की बात सोच सकते हैं कभी? यतेंद्र जी, आपके मन में ख्याल आया था कभी? ऐसा नहीं, मैं कहता हूं रोडवेज का, आज जैसे जेटली जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप व्यवस्था को ऐसे सुधारिए जैसे चली आ रही है। ना कोई बेरोजगार होना चाहिए, ना कोई नौकरी से हटना चाहिए। आप और एक्स्ट्रा बसें ले आइए, उसका स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए बाल मुकुंद जी, कोई सुझाव? मैं एक लाइन में आपसे सुझाव जानना चाहता हूँ, क्या कोई सुझाव है आपके पास जिससे घाटा दूर हो सके? मेरे को तीन बार आपने बोलने का मौका दिया जी, तीनों बार मैंने कहा कि जो इन्होंने हरियाणा रोडवेज में हमारी जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे जी, और वो भी फॉरेन बेस्ड थी, टिकटों का कालाबाजारी रोकने के लिए टिकटों की नकली टिकटें बांटी जाती थी, वो एक सिस्टम लागू किया था, वो सिस्टम बंद कर दिया। अभी तक आपने मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो आज हम लोग इनके बिल्कुल बराबर में बैठे हैं, मैंने इनसे सवाल मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया इनसे अभी तक। आप उस व्यवस्था की बात है, मैंने आपको जगह बताई, कंट्रोल सिस्टम इनका चंडीगढ़ में है, उसको ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने, आप उसका जवाब नहीं दीजिए इनसे। ठीक है राजीव जी, क्या इस पर कुछ कहेंगे? कम शब्दों में बताना, क्योंकि समय कम है। क्या ये जो सुझाव बाल मुकुंद जी दे रहे हैं, क्या वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या उससे व्यवस्था पटरी पर आ सकती है? क्योंकि आपकी सरकार के समय में टिकट वाली व्यवस्था शुरू हुई थी। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, बाल मुकुंद जी की जानकारी में हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोविजन घाटे को कम करने के किए जा सकते हैं, वो अगर ईमानदार सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर बाकी प्रदेश के अंदर बिजली की आपदा से बाहरी लोगों को बाहर निकाला है, पानी की आपदा से लोगों को बाहर निकाला है, तेल तक पानी पहुंचाया है, सड़कें बनाने का काम किया है, तो क्या हम रेलवे अपने रोडवेज के घाटे को कम नहीं करेंगे? हम जरूर, चाहे बाल मुकुंद जी के अगर कोई सजेशन करेंगे कि जिस भी तरीके से घाटे को कम किया जा सके। ठीक है, अब समय कम है, मैं रजत जी के पास जाऊंगा। रजत जी, कम से कम शब्दों में क्या ना हो, ठीक है, घाटे को कम किया जा सके। ठीक है रजत जी, आपकी बात तो सुनी, आपने मेंटेनेंस की बात कही, डिपो की बात कही, क्या इसके अलावा और कोई सुझाव है जिससे घाटा दूर हो सकता है? देखिए ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता ना सिर्फ अपना गुणगान करते हैं, और इसके अलावा इनके पास 900 करोड़ का घाटा कम करने का ना तो इन्होंने ये बताया कि ये घाटा बढ़ता क्यों चला गया, और ना इन्होंने अभी तक ये बताया ये घाटा कम कैसे करेंगे। कम कैसे करने का आपके पास कोई सुझाव? जो भी बातें बोलते हैं अपना गुणगान करते हैं, एंड में ये आता है कि जैसे बेरोजगारी में हरियाणा लगातार ये इनके गुणगान चलते हैं हर बारी। ठीक है, बेरोजगारी में पिछले
तीन लगातार बार हरियाणा नंबर वन पे पहुंच गया, ठीक है, घाटा है वो 900 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, आगे भी ये घाटा कम करने का कोई सुझाव नहीं रहे जी। समय कम है मलकानी साहब, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। क्या जो जिस तरह से चर्चा हुई है, क्या आपको लगता है जो सुझाव सामने आए हैं या जो कमियां सामने आई हैं, इन पर चर्चा हो पाएगी या इन पर अमल हो पाएगा? बिल्कुल ठीक है, जो भ्रष्टाचार है वो कम होना चाहिए, बसों की अच्छी सर्विस होना चाहिए। पहले हरियाणा रोडवेज को बढ़िया बस सर्विस है और माना जाता है और हर कोई हरियाणा की रोडवेज की बसों में सफर करना चाहता था। अब बच्चे बसें अच्छी हो, कंडक्टर और ड्राइवर का व्यवहार अच्छा हो और जहाँ भी सवारी हो उसको जरूर उठाए, बसें फुल कैपेसिटी से चले, तब ये घाटा पूरा हो सकता है। ठीक है, और हमें चाहिए कि जो टांका, ठीक है, आप सभी लोग हमसे जुड़े इस चर्चा में भाग लिया, बड़ी बहस में आप लोगों ने अपने सुझाव रखे और इंडिया न्यूज हरियाणा का भी यही सुझाव है कि जो हरियाणा रोडवेज बस है जिसका नंबर वन हमेशा से रहा है वो फिर से नंबर वन पर पहुंचे और जो घाटा 900 करोड़ तक पहुंच गया है, वो जो सुझाव इस बड़ी बहस के दौरान आए, अगर उन पर सरकार अमल करती है तो उम्मीद है कि एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज अपने पुराने स्वरूप में वापस आ सकती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।